हेलो, नमस्कार। मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटिल झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। मतदार नोंदणी अभियान, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादी आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शानदार उद्घाटन। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर निकली भव्य रैली। धुआंधार बारिश से फसलों का लाखों का नुकसान। और सरकारें बदली मगर हालात नहीं, नसीब में लिखी नरक यातनाएं। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के सिंधी कैंप चौक परिसर में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की नूतन इमारत का निर्माण किया गया है। इस इमारत का शुक्रवार 7 अक्टूबर को राज्य के उप मुख्यमंत्री और जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा प्रज्ञा घोष ने सांसद संजय धोत्री, विधायक रंजीत पाटिल, एडवोकेट किरण सरनाइक, वसंत खंडेलवाल, विधायक गोवर्धन शर्मा, प्रकाश भारसाकले, हरीश पिंपले, रणधीर सावरकर, नितिन देशमुख की विशेष उपस्थिति रही। वही पुलिस महासंचालक रजनीश सेठ, राज्य अपर मुख्य सचिव आनंद लिमय, अपर पुलिस महासंचालक संजय वर्मा, पुलिस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, पुलिस उप महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना, जिलाधिकारी नीमा अरोरा, जिला परिषद सीईओ सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत उपस्थित थे। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन महोत्सव और विशाल धम्म सम्मेलन का गुरुवार को अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर आयोजन किया गया था। मूसलाधार बारिश के बीच हजारों की तादाद में उपस्थित समाज बांधवों को संबोधित करते वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि सत्ता दल पूंजीपतियों का दल है, उनका लहजा किसी शराबी की तरह है। नियोजन शून्यता के कारण दिनों दिन रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। एक रुपए की चीज 1 रुपया 20 पैसे में मिल रही है। महंगाई इस कदर बढ़ी है कि समय रहते यदि उस पर नियंत्रण नहीं लाया गया तो देश में भीषण संकट आ सकता है, देश के हालात बिगड़ सकते हैं। प्रदेश की शिंदे फडणवीस सरकार की चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश को कैसे चला ये फिलहाल किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बौद्ध बांधव से अपील की है कि लोकतंत्र को जीवित रखने में सहयोग दें, सभी एकजुट होकर गलतियों पर विरोध जताएं। आपको बता दें दर्शकों कि भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयादशमी के दूसरे दिन अकोला में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन महोत्सव और भव्य धम्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में गुरुवार 6 अक्टूबर को यह आयोजन किया गया था। काफी देर के बाद रेलवे स्टेशन चौक से विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें अलग अलग इलाकों से आए बौद्ध बांधव डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमाओं को अलग अलग वाहनों पर सजाकर हजारों की तादाद में शामिल हुए। जुलूस में नीले झंडे तथा नागरिक बढ़ चढ़कर शामिल हुए। गुरुवार को महानगर तथा जिले में बारिश का येलो अलर्ट होने के कारण रुक रुक कर तो कभी तेज कभी हल्की बारिश होती रही। सायंकाल 5 बजे रैली में एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर के शामिल होने के बाद जुलूस का उत्साह बढ़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तेज बारिश आरम्भ हो जाने के कारण ACC क्लब मैदान पर उन्हें सुनने के लिए बेताब बांधुओं की दिक्कत को देखते हुए एडवोकेट अम्बेडकर इन्होंने रैली खत्म होने से पहले ही आयोजन स्थल पर पहुंचे और उपस्थित हजारों को मार्गदर्शन किया। इस दौरान भारतीय बौद्ध महासभा के अलावा भारी बमस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मंच पर उपस्थित थे। कई जगहों पर भोजन दान का भी कार्यक्रम चला। बारिश का मौसम समाप्ति की ओर होने से वापसी की बारिश ने गुरुवार को अकोला में जोरदार हजेरी लगाई। धुआंधार बारिश के कारण न केवल शहर में कई रास्तों पर जल जमा हो गया बल्कि यातायात भी प्रभावित हुआ। बारिश ने जनजीवन तो अस्त व्यस्त किया ही, इसका प्रतिकूल असर खेतों में लहलहाती फसलों पर भी होने के आसार है। इस साल बारिश शुरू से ही दमदार हाजिरी लगा रही है। जून से सितंबर तक कई बार अतिवृष्टि के कारण तो कई बार तेज बारिश के कारण बांध जलमय हो गए, कई बार बांधों से पानी भी छोड़ा गया। अब चूंकि बारिश का मौसम खत्म होने को है, वापसी की बारिश एक बार फिर जोरदार उपस्थिति दर्ज करा रही है। मौसम विभाग द्वारा 7 और 8 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई गई थी, जबकि बारिश 6 अक्टूबर को दोपहर से ही होने लगी। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक रह रहकर
तेज बारिश होती रही। बारिश के कारण दुर्गा चौक से जठारपेट की ओर जाने वाला रास्ता जलमय हो गया। पुराना शहर में डाबकी रोड पर भी कई जगह पर जल भरा हो गया था। बांध में पानी के जल संग्रह के आधार पर यह तय होगा कि कितना पानी छोड़ा जाए। नदी के आसपास बसे गांवों के ग्रामजनों को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। कहने को एक ओर जहां देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, कहा जाता है कि करोड़ों का विकास हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे देहात हैं जहां पर विकास कोसों दूर है। हम बात कर रहे हैं अकोला जिले की हिवरखेड़ के पास की तलेगांव खुर्द गांव की। जी हां, तलेगांव खुर्द इस गांव में खंडाला की ओर जाने वाले रास्ते पर इंदिरा नगर की बस्ती है। ये बड़ी दलित बस्ती है। इसी में सभी समाज के लोग आपस में भाईचारे के साथ कई वर्षों से रहते हैं। तलेगांव खुर्द से इस बस्ती की ओर जाने वाले रास्ते पर विद्रूपा नदी है, जो वरदान के साथ ही बरसात के दिनों में श्राप भी बन जाती है। जी हाँ, बरसात के दिनों में जब इसमें बाढ़ आती है तो इस बस्ती का और गाँव वासियों का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि इस नदी के ऊपर कहीं भी पुल बना हुआ नहीं है। आपको ये भी बता दे दर्शकों कि इसी बस्ती के पास प्रसिद्ध मनसा माता का मंदिर है, जहां पर लोग दूर दूर से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। खासकर नवरात्रि में यहां पर कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम शुरू रहते हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जाते हैं। और ऐसे में जब तेज बारिश हो जाए और अचानक इस नदी में बाढ़ आ जाए तो वो मंदिर में ही अटक जाते हैं, या फिर जो मंदिर में जाना चाहे वो नहीं जा पाते हैं। इसी नदी को पार करते हुए स्कूल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों का शैक्षणिक नुकसान भी होता है। इसी रास्ते से किसानों को भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि सारे खेत उसी नदी के पार हैं। जो नेता प्रतिनिधि इलेक्शन के समय नजर आते हैं, वोटों की सौगात मांगते हैं, वही प्रतिनिधि कहिए, जनप्रतिनिधि कहिए, अधिकारी कहिए, ये किसके कार्यक्षेत्र के अंदर आता है, इससे गांव वासियों को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें चाहिए सिर्फ यहां पर एक पुल, लेकिन उनकी ये पुकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आज इन्हें इस नदी को पार करते हुए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। कुछ लोग रस्सी के सहारे नदी पार करते हैं, लेकिन ये घातक हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो सारे नेता प्रतिनिधि सब वहां पर आएंगे और बड़े जोर शोर के साथ आश्वासनों की बरसात कर चले जाएंगे, लेकिन क्या विकास के लिए किसी दुर्घटना का होना जरूरी है? क्या कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी, कोई नेता इनकी समस्याओं को सुलझाएगा, या सिर्फ चुनाव के वक्त ही इन्हें फिर दलित, हिंदू, विद्यार्थी, युवक, युवती नजर आते हैं, किसानों की याद आती है, लेकिन जब इन्हें जरूरत पड़े तो कोई नहीं आता है। इस नरक यातना को लेकर नागरिकों में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नेताओं को लेकर काफी रोष है। सिटी जंक्शन के लिए हिवरखेड़ से धीरज बजाज, इनकी खास रिपोर्ट। तत्कालीन अकोला नगर परिषद द्वारा स्थानीय जनता बाजी बाजार के व्यापारियों को किराए पर दी गई जगह स्थायी रूप से इन्हीं व्यापारियों को देने की मांग को लेकर जनता बाजार के व्यापारियों द्वारा गुरुवार को स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इंटक नेता प्रदीप वखारिया एवं महात्मा फुले जनता बाजार संघर्ष समिति के अध्यक्ष सजाद हुसैन के नेतृत्व में धरना आंदोलन आरम्भ किया गया। माननीय उप मुख्यमंत्री और जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन भी सौंपा गया। महात्मा फुले जनता बाजार संघर्ष समिति के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन में इंटक नेता प्रदीप फकारिया, समिति अध्यक्ष हाजी सज्जार हुसैन, उपाध्यक्ष पंकज मनियार, विजय तिवारी सहित कई कारोबारी इस आंदोलन में शामिल हुए। अमृत अभियान के अंतर्गत शहर में पाइपलाइन बिछाने वाली APNGP एजेंसी ने रास्तों की मरम्मत की ओर पूरी तरह से अनदेखी कर रखी है। शहर के कोने कोने में रास्तों की हालत खस्ता है। सामान्य जनों को इन रास्तों से आवागमन करना पड़ता है, ऐसे में उन्हें रीढ़ की हड्डी, गर्दन की परेशानी समेत अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, अमृत अभियान के अंतर्गत शहर में जलापूर्ति योजना की समस्या हल करने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में 110 करोड़ की निधि मंजूर की थी। तत्कालीन आयुक्त अजय लाहानी के समय APNGP एजेंसी को कार्य आरंभ करने का आदेश दिया गया। इसमें सारे शहर में 546 किलोमीटर के मुख्य तथा प्रभाग के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाना तथा नई 8 पानी टंकियों का निर्माण करना आदि का समावेश था। इसी बीच योजना का DPR तैयार करने वाले तक
तकनीकी सलाहकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पर उक्त एजेंसी के काम पर ध्यान देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। प्रत्यक्ष काम की शुरुआत होने के बाद मापदंड अनुसार पाइपलाइन बिछाना अपेक्षित था, फिर भी कुछ क्षेत्रों में केवल एक से डेढ़ फीट की दूरी पर ही पाइपलाइन बिछाई गई। इस संबंध में तत्कालीन आयुक्त संजय कापड़निस ने एजेंसी के बिल अदा नहीं करने की टिप्पणी दर्ज की थी। इसी बीच रास्ता तथा रास्ते से सटा हिस्सा खोदकर पाइपलाइन बिछाने के बाद उस रास्ते की तुरंत मरम्मत करना एजेंसी का काम का एक हिस्सा था। प्रभारी नगर सेवकों के प्रभाग के रास्तों की मरम्मत करने के बाद शेष शहर के रास्तों की मरम्मत की ओर एजेंसी ने मुंह ही फेर लिया। इस कारण गलियों से लेकर शहर के कुछ मुख्य रास्तों की हालत खस्ता है। इसमें खास तौर पर गीतानगर से सोमठाना तक की मुख्य मार्ग की हालत काफी खराब है। अकुलवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, विभिन्न दर्द से गुजरना पड़ रहा है। इसमें पीठ दर्द, गर्दन की परेशानी आदि का समावेश है। मनपा प्रशासन की ओर से अनुशासन की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर एजेंसी के सामने चुप्पी क्यों साधे हुए ये सवाल उपस्थित हो रहा है। आखिर मनपा प्रशासन मौन क्यों है? क्यों एजेंसी को रास्ते की मरम्मत के बारे में हिदायत नहीं दी जाती? ये सवाल जनता कर रही है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटिल झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। मतदार नोंदणी अभियान, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादी आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शानदार उद्घाटन। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर निकली भव्य रैली। धुआंधार बारिश से फसलों का लाखों का नुकसान। और सरकारें बदली मगर हालात नहीं, नसीब में लिखी नरक यातनाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।